नहीं नहीं हमको सुना डरो ना इनको सुना चलो इनको मैं तुम सुन लो हाँ नहीं इसका मतलब ये पढ़ाती नहीं ना नहीं साहेब पढ़ाई ना देखो हम बाबू अधिकारियों में नहीं हैं तो सत्रह का पारा सुना नहीं मैं निकाल चला अच्छा साहेब किताब से पढ़ाएंगे हाँ किताब से पढ़ाएंगे हमको सत्रह का पारा सुनाओ नहीं मैं निकाल दूंगा शिक्षा विद से सुनाओ ना सबके सामने सुनाओ तो हम फिर बाद में मत कहना मुझे या तो सत्रह का पारा सुनाओ हमने आपको विद्यालय में शिक्षा में रखा है तो पढ़ाने के लिए रखा है ना जब तुम्हें खुद ही नहीं आता तो दूसरों को क्या पढ़ाओगे आता है तो पढ़ाओ बढ़िया अच्छी बात है आपको आता है कतरा का पढ़ा सुनो सुनो सत्रह बजे पचहत्तर सुना सबने सब सही है सत्रह अच्छा पचासी होता चलो देखो भाई अगर शिक्षा मित्र हो पढ़ाना है तो फिर आपको भी तो आना चाहिए नहीं तो हमारे बच्चों कैसे पढ़ाओगे तो अध्यापक हो गए आपके पास दो चार एक पांच और कहाँ हैं सर ये सब हैं सब सहायक हैं ये तीनों सहायक हैं जी सर इतने बच्चे कितने हैं आज 222 आते हैं बच्चे बच्चों को लाना पड़ेगा घर से यहाँ हीरो बन के बताना बता दिया मैंने गाँव में जाओ बच्चों को लेकर के आओ आज नहीं रोज का काम है अगर यहाँ पर इतने लोग लगे हो चार छः